बड़े त्योहारों को पारंपरिक और सनातनी रीति रिवाज से मनाने में मुरादाबाद में गायों का संरक्षण करने वाली एक संस्था ने बीड़ा उठाया है। अब होली उनकी पहल से देश के मेट्रो सिटी में फ्लैट सिस्टम में रहने वाले लोगों के बीच पहुंचने लगी है और वो भी नाम मात्र के खर्च पर। पूरी होली गाय के शुद्ध गोबर से बनी हुई एक पैकिंग के माध्यम से गंतव्य स्थान पर पहुंच रही है। दरअसल जनपद मुरादाबाद स्थित मोरा के मिलक में भगवती गो पुनर्वास आश्रम चलाने वाले दीपक बांसड़े का मानना है कि आधुनिकता के चलते हिंदू समाज अपने पारंपरिक बड़े त्योहारों का स्वरूप अपनी सुविधा अनुसार बदलता जा रहा है, जिससे कि सनातनी संस्कृति को भारी नुकसान हो रहा है। विशेष रूप से होली दिवाली के त्योहारों में भी खासे बदलाव सामने आए हैं, लेकिन सब उनकी संस्था ने पिछले कुछ वर्षों से इन सभी त्योहारों को पारंपरिक रीति रिवाज से मनाने के लिए बड़ी पहल की है। इनकी गौशाला में पलने वाले गोवंशों से मिलने वाले गोबर से दीपावली पे पूजा के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनाई गई, जिन्हें इनके द्वारा देश विदेश तक पहुंचाया गया। और अब होली के पूर्व इनके द्वारा देश के मेट्रो सिटी से गाय के गोबर से बनी होली के लिए ऑर्डर्स की भरमार है। बेंगलोर, कलकत्ता सहित देश के कई हिस्सों से आए ऑर्डर्स के लिए इनके द्वारा गाय के गोबर से होली पूजन में काम आने वाले होलिका की आकृतियां पैकिंग के माध्यम से पहुंचने का काम शुरू हो गया है। दीपक का कहना है कि वो एक होली पैकिंग का मात्र 501 रुपया ही लेते हैं, जिसमें कोरियर खर्च सहित सभी कुछ शामिल है। दीपक का मानना है कि उनकी ये कोशिश नई पीढ़ी को सनातनी परंपराओं और त्योहारों के विषय में बताते हुए जोड़ने का प्रयास करती है। देखिए, होली के ऊपर आमतौर पर समस्या ये आती है कि हम घरों में जो लोग होली जलाते हैं वो लोग गोबर कलेक्ट करते हैं और फिर उसकी बरगुल्ले वगैरह बना लेते हैं, लेकिन बाकी और जो खेल खिलौने बनते हैं वो सब भूल जाते हैं कि क्या क्या कितने कितने बनने हैं, क्योंकि बहुत पुरातन हो गई है संस्कृति। हम उस पुरातन संस्कृति के जागृत करने के लिए उसमें जितने भी खेल खिलौने बनते हैं वो सब बरगुलियों के साथ बनाते हैं। जैसे हम लोग इसमें ढाल बनाते हैं, तलवार बनाते हैं, बजने वाला नारियल बनाते हैं, हम लोग इसमें चांद, सूरज, तलवार के अलावा इसमें हम लोग चक्रा, बेलन और जो प्रहलाद जी के खेल खिलौने थे जिनसे वो खेला करते थे वो सारे हम आकृति गाय के गोबर से बनाते हैं, जिससे कि वो सब जलाए जा सके। और विशेष ध्यान जो हमारा रहता है कि गोबर जो कहा गया, जैसे गोबर शब्द है उसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो गौ प्लस बर आता है उसका, अर्थात गौ के वरदान को गोबर कहा गया। लेकिन आमतौर पर जब लोग वाग गोबर इकट्ठा करते हैं तो वो भैंस के मल को भी, चूंकि वो गोबर जैसा दिखता है, तो उसी से आकर के घर पे त्योहार बनाने लगते हैं। दिक्कत कहां पर आती है, जब हम भैंस के मल को जलाते हैं तो वो एक नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड विसर्जित करता है, जो उत्सर्जन होता है उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि अगर आप देसी गाय के गोबर को जलाते हैं तो वो आपके पर्यावरण को शुद्ध करता है, आपको ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, तो वातावरण में जब ऑक्सीजन बढ़ेगी तो भला ही भला है, आपका भी मेरा भी पूरे वातावरण का भला है। तो हम लोग इस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि देसी गाय के गोबर से ही ये सारे उत्पाद बनाए जाएं। कुछ पैकिंग हो रही है, किस तरह की पैकिंग क्या है? ये हम लोग जो घरों में होली मनाई जाती है हम उनको बैंगलोर है, गुजरात है, यहाँ पर लोगों के हमारे पास ऑर्डर हैं, मुंबई से हैं, और इस समय अभी हमारे पास लेटेस्ट ऑर्डर अभी जो आए हैं दिल्ली से, तो बहुत बम्पर ऑर्डर हैं, कैलकटा से बहुत ऑर्डर हैं। तो ये हम पूरा पैकेट करते हैं और ये लोगों को हम लोग कुरियर के माध्यम से हर एक घर में पहुँचाते हैं। लगभग हमारे पास अभी तक ऑर्डर हैं करीब 250 होली के आसपास के, जो अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो ऑर्डर आने चालू हुए हैं, अभी होली में टाइम है, तो हमें लगता है कि ये बहुत बम्पर सेल आने वाली है और लोगों में ये जागृति आ रही है कि हमें होली सिर्फ देसी गाय के गोबर से ही जलानी है। ये क्या है साहब, ये हमें ये पेटीएम है, अमेज़ोन है, मीशो है, इनसे बहुत सारा सपोर्ट मिलता है और इन लोगों से भी हमें ऑर्डर मिले हुए हैं, तो हम इन कंपनियों को भी सप्लाई देते हैं और आगे फिर जा करके ये लोग अपने ढंग से सेल कर रहे हैं। अच्छा, एक जनरल सवाल था कि क्या रेट रखा है, क्या क्या लोगों को किस तरह की सुविधा है, पैसा कितना ले रहे हैं, क्या है, किस तरह से? जो घरों में होली मनाई जा रही है उसके लिए हम मात्र 501 रुपये चार्ज ले रहे हैं, जिसमें 200 रुपये लगभग हमारा कुरियर चार्ज खर्च हो जाता है, तो लगभग गौशाला को 300 रुपये टोटल मिल पाते हैं, जिसमें से करीब 150 रुपये हमारी लेबर जो इसको बनाती है उसको मजदूरी देनी पड़ती है, बाकी जो धन आता है वो गौशाला के काम में, गायों के काम में आता है। जो बाहर चौराहों पर हम लोग होली मनाने के लिए अपने कंडे और
और गौकास्ट बनाते हैं, गाय के गोबर से जो लकड़ी बनती है उसके माध्यम से हम लोग लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ये गौकास्ट से जो होली जलाने का है वो केवल हम लोगों ने मुरादाबाद में रखा हुआ है, क्योंकि कोरियर चार्जेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतना सारे कंडे और गौकास्ट अगर हम बाहर भेजेंगे तो वो संभव नहीं है, इसलिए हम ये सिर्फ मुरादाबाद में कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग 2100 रुपये चार्ज कर रहे हैं, 150 किलो गौकास्ट एवं उपले का साथ में वहाँ पर पहुँचता हुआ, मैं किराए के दे रहे हैं।